खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। भिंडियाँ आई हुई हैं आज पकाने के लिए, और इतनी खूबसूरत बड़ी बड़ी भिंडियाँ थी ना कि मैंने कहा कि ये पहले ज़रा ना मैं इनको काटने से पहले अच्छी तरह से देख तो लूँ, बहुत अच्छी लग रही थी। साथ साथ जो है मेरी आदत है कि काम कर रही हूँ तो कभी होता है कि फ़ोन पे कुछ ना कुछ लगा के रख लिया, देखता रहा साथ में। और ये वो मैं शीट दिखा रही हूँ आपको जो मैंने मार्बल शीट ये रमज़ान में लगाई थी अपनी स्लैब पे, और ये जो है हर जगह से अब इस तरह से जो है ना कट गई है। अब इसको चेंज करने का टाइम आ गया है तो कुछ दिन में इसको भी चेंज करना पड़ेगा। भिंडियाँ मैंने काट ली हैं, आज मैं खाने में जो है वो भिंडी कीमा बना रही हूँ। इसके लिए जो है पहले मैं भिंडियाँ जो है वो फ्राई करके निकाल लूँगी। कुछ लोग मैं देख के हैरान होती हूँ वैसे कि वो मसाला बनाते हैं और उसके अंदर भिंडियाँ काट के डाल देते हैं और दम दे देते हैं, मीन्स पहले भिंडियों को फ्राई नहीं करते। मुझे देख के इतनी हैरत होती है कि ये लोग खा कैसे लेते हैं, पता नहीं। भिंडी तो फ्राई होने के वक्त भी जो है ना लेस छोड़ती है, आप उसको वैसे ही डाल दो। और पिछले दिनों तो मैं किसी की ना वीडियो देख रही थी, वो भिंडी गोश्त बना रही थी और इतने मज़े की बात है, उन्होंने पहले गोश्त को भूना, उसके बाद उसके अंदर कच्ची भिंडियाँ डाल दी और सोने पे सुहागा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उन्होंने उसको दम दिया। कहती हैं कि मैं इसको ना थोड़ा सा पानी डाल के दम दे रही हूँ और फिर उसके बाद हम खाएंगे, और बहुत वो तारीफ़ करें, इतने मज़े का बना। मैं सोच सोच के मुझे हो कि इन्होंने खाया कैसे होगा, कितनी लेस छोड़ दी होगी भिंडी ने। खैर हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। भिंडियों को पहले फ्राई कर लिया जाए और उसमें थोड़ा सा लेमन, और अगर आपके पास लेमन नहीं है तो फ्यू ड्रॉप्स आप उसके डाल देना विनेगर के, तो उनकी लेस भी ख़त्म हो जाती है और भिंडी बहुत अच्छी फ्राई होती है। मैंने कीमा जो है नॉर्मल जैसे प्याज होते हैं काटे, उसमें कीमा डाला और उसको भूना, उसमें मसाले डाले, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक और टमाटर का पेस्ट डाला। इसकी मैं भुनाई करूँगी, कीमा गल जाएगा, मेरी जो फ्राई हुई भिंडी है वो मैं ऐड कर दूँगी और मेरा कीमा भिंडी तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छी बनती है। अब आप कहेंगे ये भी खुद तारीफ़ करने पे लगी हुई है, फिर मैं इस बात में यही कहूँगी कि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। मुझे जो है ना बिल्कुल खाली भिंडी बनाने की नस्बत अगर उसमें ये थोड़ा सा कीमा ऐड कर दिया जाए चिकन का तो भिंडियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। भिंडियाँ जो हैं वो जल्दी जल्दी बस कोई धो के ना इनको अच्छी तरह से काट दे, उसके बाद इनको बनाने का टाइम नहीं लगता है, उसके बाद तो ये इतनी क्विक क्विक बन जाती हैं कि बस। भिंडी कीमा बन गया था, अब जो है वो बना लेते हैं रोटी। रोटी के बाद जो है हमने कहीं जाना था बाहर, बच्चों की जो है ना बहुत दिन से फरमाइश चल रही थी ज़ू जाने की, तो आज हमारा भी जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे DHA में जो ज़ू बना है, काफ़ी टाइम हो गया बने हुए और हम आज जो है ना रोज़ जा रहे हैं। ये मैंने पहले बच्चों के लिए पराठा बनाया था तो तवे पे घी लगा हुआ था, मैंने वो घी साफ़ नहीं किया और उसी पे रोटी बना ली है। ये इस वजह से आपको साइड पे रोटी की घी नज़र आ रहा होगा, ये मतलब नहीं है कि मेरा तवा गंदा था। और इसी जो है ना रोटी बनाने के चक्कर में मैं मुड़ी हूँ बस रोटी रखने के लिए, इतनी सी देर है खड़ी थी तो दूध ने बॉयल नहीं होना था, दूध से ज़रा सी नज़र हटा लो ना दूध उसी वक्त बॉयल होके गिर जाता है। रोटियां मेरी बन गई हैं, खाना जो है वो मैं सर्व कर दूंगी, खाना खाएंगे उसके बाद जो है रेडी होके बस हम चले जाएंगे। अली की तबीयत भी कुछ नहीं ठीक है एक दो दिन से, लेकिन उसके बावजूद उसकी ज़िद है कि नहीं मैं आज ही जाऊँगा, तो धूप भी है आज गर्मी भी है, लेकिन चलो हमारे खाना करते ना खाते करते शाम तो हो जाएगी, थोड़े शाम के टाइम में निकलेंगे। और ये जी हम तैयार श्यार होके निकल आए थे बच्चों को रेडी करके, और ये हम आ चुके हैं DHA। मैं भी फ़र्स्ट टाइम है जो DHA आई हूँ। DHA के टोटल पता नहीं कितने गेट्स हैं, लेकिन ये जो इसकी मेन एंट्रेंस है ना यहाँ से, और मैं तो देख के हैरान रह गई कि वाकई बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा एरिया है, बहुत ज़्यादा जो है अभी इसकी जो है डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन इसकी जो इस वक्त उन्होंने जो मेंटेनेंस रखी हुई है और जो इसमें जो काम हो रहा है काफ़ी जो है ना अप्रिशिएट करने के लायक है। बस कुछ टाइम की बात है, ये जो है ना जब फुली डेवलप हो जाएगा तो फिर ये होगा कि मुल्तान एक अलग जो है वो शहर रह जाएगा और यहाँ पे जो है ना एक अलग ही जो है शहर आबाद हो जाएगा, लोग ज़्यादातर यहीं मूव कर जाएंगे। अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे जो है घर शहर बन चुके हुए हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, काफ़ी यहाँ पे आबादी हो चुकी है, स्टोर्स वगैरह हैं यहाँ पे कि अगर किसी ने अंदर से कुछ लेना हो, शॉपिंग वगैरह करनी हो, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, फूड कोर्ट है वो भी आज मैं आप उसकी भी सैर करवाऊँगी, और बड़ी तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है। तो बस यही हम जो है ना ज़ू तो बिल्कुल जो है एंट्रेंस पे ही थोड़ा सा आ गया हो तो ज़ू आ जाता है, थोड़ा सा आगे हमने कहा राउंड लगा के आते हैं और उसके बाद जो है वो बच्चों को ज़ू दिखाते हैं। यहाँ
चलो अली हाथ पकड़ो ना। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ के एनिमल्स से, तो उनको वैसे ही देख के बहुत खुशी होती है। अच्छा, एंटर होते ही ये जो एरिया है सारा, इधर जो है ना बर्ड्स हैं, हर तरह के इन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं और बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे खूबसूरत बर्ड्स हैं। यहाँ पे जो है ना सारा एक राउंड लगा के बर्ड्स वगैरह देखने के बाद जो है वो दूसरी साइड पे आप जाएं तो वहाँ पे जो है वो बाकी के एनिमल्स हैं। खड़े हो आप इनके साथ, यहाँ पे खड़े हो बेटा। एमल बर्ड्स देखते देखते मैं यहाँ से गुजरी ना, तो ये वाइट पैरेट्स मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहे थे कि कुछ देर के लिए तो मैं इनके पास रोकी गई। इतने खूबसूरत लग रहे थे कि कैमरे में ये बिल्कुल भी वैसे नहीं आए, उससे कई गुना ज़्यादा ही खूबसूरत थे। अच्छे बर्ड्स थे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। और ना एक बात नोट की है इस ज़ू के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, बहुत ज़्यादा। और बेशक यहाँ पे एनिमल्स कम हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है मज़ीद आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन जितने एनिमल्स हैं ना वो बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी हालत में है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप लाहौर ज़ू जाएँ ना तो आप वहाँ पे एनिमल्स वगैरह जो भी होते हैं आप उनको देखो, वो इतने निढाल पड़े होते हैं जैसे कुछ खाने को नहीं मिलता बेचारों को, या गर्मी से उनका बुरा हाल है, कमज़ोर कमज़ोर लागर से जो है वो वहाँ पर जानवर है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छे, हेल्दी, खूबसूरत और बहुत ही प्यारे जो है ना साफ़ सुथरे जानवर थे। अभी हैं कम, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है और आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अभी इतने भी कम नहीं है, काफ़ी हैं देखने के लिए। और ये देखें, अब मैं आपको जैसे बता रही थी ये ज़ीब्रास ही, मैं आपको दिखा दूं कि ये कितने हेल्दी और माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। चलो बस ऊपर ऊपर नहीं जाओ। अच्छा, ये डक्स हैं कि पता नहीं इनका, मैंने नेम यहाँ पे नहीं पढ़ा, लेकिन इनको जो इस वक्त फीड दी जा रही है ना वो भी जो है वो मीट है। अब मीट किसका है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनको मीट खिलाया जा रहा था और हम देख के ये सोच रहे थे कि ये तक जो मीट खाती हैं तो बाकी जो है ये लेपर्ड और लायन वगैरह ये तो फिर ज़्यादा खाते होंगे। अगर थक जाओ फिर के ज़ू में तो इतने ज़्यादा बेंचेस थे ना कि आपका जहाँ दिल करे आप वहाँ थोड़ी देर को बैठ जाओ। और ये मेरे बच्चों को जो है ना ये बाउंसिंग स्लाइड है क्या है ये नज़र आ गई, और बस उसके बाद जो है ये यहाँ पे मैं कह रही थी कि अगर मैं इनको छोड़ के दो घंटे के लिए यहाँ से चली भी जाऊँ ना तो मेरे बच्चों को परवाह नहीं होगी कि हमारी माँ कहाँ गई। ये और बात है कि मैं छोड़ के जाऊँगी नहीं। यहाँ पे भी जो है ना बस थोड़ी देर बच्चों जो है ना वो उनको हमने रहने दिया था, क्योंकि उसके बाद जो है अंधेरा होने लग गया था रात में, इनका 9 बजे तक का टाइम होता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। यहाँ आना है अगर आपने तो अच्छा मौसम हो और जो है ना दिन के टाइम आए तो बहुत 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 बेहतरीन जगह है ये। इन्होंने पूरा DHA ही जो है ना आम के बागात वगैरह ज़्यादातर काटे गए हैं। तो ये देखिए ये ज़ू में भी ना जगह जगह आपको जो है ना आम के दरख्त नज़र आएंगे। ये देखिए ये आम का दरख्त मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके साइड्स पे सारे आम के दरख्त हैं। यहाँ से बाहर हम आ गए थे और ये जो है ना बिल्कुल ही इससे ज़ू से पहले ही ना ये होटल एरिना बना हुआ है। मैं तो यहाँ नहीं आई लेकिन मेरे हस्बैंड आ चुके हैं मैं पहले, तो वो कह रहे थे कि यहाँ बेशक इन्होंने अच्छा बनाया है, वह बैठने का सब कुछ सेटअप बहुत अच्छा है, लेकिन जो है खाना अच्छा नहीं है, खाना इनका जो है वो बिल्कुल। और हम वैसे भी घर से खाना खा के आए हुए थे तो हमने सोचा चलो फूड कोर्ट का चक्कर लगा लेते।
बेशक खाना जो है ना वो वहाँ का भी अच्छा नहीं है। खाना हमने खाया हुआ था तो बच्चों के लिए हमने जस्ट थोड़े बहुत रिफ्रेशमेंट ऑर्डर किए, और वो भी कोई टेक्निकल इशू होने की वजह से हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा। इनका कोई गैस का कनेक्शन ख़राब हो गया था तो काफ़ी देर बाद आया। तब तक हमने जो है अपना इन डांसिंग फाउंटेन से जो है दिल बहलाया और इन्जॉय किया। जब तक फोन चल रहा था खाने में डिज़र्ट्स के भी काफ़ी ऑप्शंस थे, लेकिन ऑर्डर जब हमने कर दिया और जब उन्होंने हमें कोई घंटे बाद जाके ये हमें सब कुछ ला के दिया तो उसके बाद जी कहा माजरत जी आपको वो नहीं मिल सकता, पता नहीं उन्होंने बनाने की ट्राई की ख़राब हो गया या बन नहीं सका, कि उस वक्त जब हम ऑर्डर कर रहे थे तब उन्होंने हमें नहीं बताया। खैर हमने दोबारा ऑर्डर नहीं किया कि घंटा मज़ीद कौन इंतज़ार करे। यहाँ पे हमारा ये था खाने का एक्सपीरियंस जो मैंने कहा शेयर कर दूँ, अगर कोई आए बैठने देखने घूमने फिरने के लिए जगह बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।